के बाद कोरोना से बर्बाद होने की बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की कई वजह हैं। उनमें से एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिक। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में चीनी नागरिक रहते हैं और वहां पर काम करते हैं। वो अक्सर चीन आया जाया करते हैं। ऐसे में चीनी नागरिकों के पाकिस्तान में आने पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। भारत की तरह से पाकिस्तान चीन की फ्लाइट्स पर बैन लगाने की भी नहीं सोच सकता। भारत में तो अभी से संसद के भीतर चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका फैसला विदेश मंत्रालय ने स्वास्थ्य और उड्डयन विभाग पर छोड़ा है। भारत में संक्रमण को देखते हुए इस पर फैसला किया जाएगा। भारत सरकार कोरोना की गंभीरता को देखते हुए चीन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा सकती है ताकि देश में संक्रमण ना फैले। पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही बेहद खराब है। पाकिस्तान के पास डॉलर का रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो IMF से देश चलाने के लिए पैसे मांग रहा है। हालात ये है कि टनों वजन के खाने की चीजें पाकिस्तान के बंदरगाहों पर पड़ी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अंदर इस वजह से नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उसकी अदायगी के लिए डॉलर नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आई बाढ़ ने उसे बुरी तरह से प्रभावित किया है और अब जाकर बाढ़ का थोड़ा बहुत पानी सूखा है। अब भी बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं दी गई है। सबसे ज्यादा बुरे हालात पाकिस्तान के सिंध राज्य के हैं। बाकी जगह भी हालात बढ़िया नहीं है। ऐसे में अगर कंगाल पाकिस्तान में कोरोना का संक्रमण फैल गया तो पाकिस्तान के टुकड़े होना तय माना जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पाकिस्तान लॉकडाउन भी नहीं लगा सकता क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही खराब है और देश में अगर लॉकडाउन लग गया तो पाकिस्तान का बंटाधार हो जाएगा। साथ ही पाकिस्तान की स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही चरमराई हुई हैं। दवाइयों की बेहद कमी है और जो मिलती भी है वो बेहद महंगी होती है, जो गरीब आदमी की जेब की पहुंच से बाहर होती है। पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पाकिस्तान में टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बाकी चीजों के दाम क्या होंगे। ऐसे में पाकिस्तान अगर चीनी नागरिकों के आने जाने पर रोक नहीं लगाता तो पाकिस्तान में संक्रमण फैलना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, जिन्हें संभालना बिगड़े हालातों में नामुमकिन होगा।